जिया खान के निधन केस में अहम सबूत जिया खान का ट्रैक सूट और दुपट्टा। ट्रैक सूट और दुपट्टा दोनों ही गायब है। कोर्ट ने सीबीआई पर इस पर सवाल पूछा है। जी हां, साल 2013 में बॉलीवुड की फेमस एक्टर जिया खान ने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस मामले पर जिया खान की मां रबिया अमीन ने खुले तौर पर जिया के निधन को आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिम्मेदार ठहराते हुए साजिश बताया। लेकिन वही इस मामले पर एक चौंकाने वाली बात भी जिया खान मामले से जुड़ी सामने आई थी। दरअसल जून 2013 में जिया के निधन के बाद दुपट्टा जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास पहुंचा था। जुहू पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया था कि बाद में उन्होंने सीलबंद लिफाफे में उसे अन्य एक और सबूत के साथ 2015 में कोर्ट में जमा करा दिया था। बुधवार को रबिया के वकीलों ने जब कोर्ट के सामने जिया के ट्रैक सूट और दुपट्टा के गायब होने पर सवाल उठाए तो जज सुरेखा पाटिल ने सीबीआई और जुहू पुलिस की बुरी तरह से लताड़ भी लगाई थी। कोर्ट ने सीबीआई और दोनों पुलिस के जांच अधिकारियों को अगली सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश भी दिया था। यानी कि जिया खान से जुड़े जो अहम सबूत उसका ट्रैक सूट और दुपट्टा था वो गायब कर दिया गया था। खबरों की माने तो सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से सबूत जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया और सबूत उन्होंने जुहू पुलिस को दे दिए थे। दूसरी तरफ लेबोरेटरी के अधिकारियों ने कहा कि नियमों के मुताबिक जांच के बाद सबूतों को पुलिस के स्टेशन भेज दिया था जहां केस दर्ज हुआ था, ना कि किसी और एजेंसी को दिए थे। जुहू पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। तो यह है पूरी खबर, जहां पर जुहू पुलिस के अधिकारी लेबोरेटरी के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी जुहू के पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जिया खान से जुड़े सबूतों को इस तरह किससे गायब कर दिया है ताकि सच सामने ना आ सके। तो यह है पूरी खबर, जहां पर जिया खान का ट्रैक सूट और दुपट्टा जो अहम सबूत है जिया खान के निधन मामले पर सच्चाई सामने लाने के लिए उन सबूतों को ही कर दिया गया है गायब। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।